अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण खबर। जो भी छात्र इस बार एग्जाम दे चुके हैं वे अब इन रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, तो हम उन्हीं से संबंधित न्यूज़ को जानेंगे कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है। हम न्यूज़ के अनुसार देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड 10वीं 2020 का रिजल्ट। तो पहले हम जान लेते हैं कि 10वीं का जो है कॉपी जाँच कब से कब तक की जाएगी, उसके बाद हम जानेंगे कि मैट्रिक का रिजल्ट और इंटर का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैट्रिक परीक्षा की जो है कॉपी जांच वो आपको 5 मार्च से प्रारंभ होकर के दिनांक 17 मार्च तक चलेगी, यानी 5 मार्च से 17 मार्च तक मैट्रिक परीक्षा की कॉपी जांच की जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि इसका जो है रिजल्ट जारी करने की संभावित तिथि क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर में मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। इस बार बोर्ड परीक्षा में 15,29,393 छात्र छात्राएं शामिल हुई और प्रथम पाली में आपको 7,74,000 और वहीं दूसरी पाली में जो है आपको 7,54,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। प्रदेश भर में जो है 1,386 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और इस बार जो है छात्रों की अपेक्षा छात्राएं की संख्या अधिक थी और पहली बार जो है कि परीक्षार्थियों को जिस पर आप परीक्षार्थी आंसर दे रहे थे OMR पर उनको अपना फोटो देखने को मिला। देख सकते हैं कि पहली बार 92 लाख उत्तर पुस्तिका और 92 लाख OMR पर परीक्षार्थियों को अपना फोटो भी देखने को मिला। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा की कॉपी जाँच के लिए तिथि जारी कर दी है। मैट्रिक परीक्षा की कॉपी जाँच आपको जो है 5 मार्च से लेकर के आपको 17 मार्च तक होगी। सूत्रों की माने तो इस बार मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। तो ये जो है मैट्रिक परीक्षा की रिजल्ट ये मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी करने का अनुमान है। वहीं हम इंटर परीक्षा की रिजल्ट की बात कर ले तो वह जो है मार्च के तीसरी सप्ताह में जारी करने की संभावना है, यानी 21 मार्च तक इंटर का रिजल्ट आ सकता है। और वहीं हम बात कर ले मैट्रिक की रिजल्ट तो 26 मार्च तक जारी किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जो है 30 मार्च को इंटर का रिजल्ट जारी किया गया था, उसके जस्ट 5 दिन बाद जो है आपको इंटर का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया था 5-6 दिन के बाद। तो इसी प्रकार से इस बार भी हो सकता है। तो बिहार बोर्ड रिजल्ट से संबंधित जानकारी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।